वेलकम बैक टू एप्सिलॉन क्लासेस, दिस इज सामंत कुमार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 24/1/2021 को आज संडे को एग्ज़ाम हुआ है बिहार होमगार्ड का, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं बिहार होमगार्ड का। अभी तक हमारे पास लगभग 97 क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 क्वेश्चन नहीं मिले हैं, तो 97 क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। आप लोग मिलाइए कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, पहला क्वेश्चन था जी, नेट नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड क्या हो जाएगा जी, इमैच्योर था इसका आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन था हैप्पी के साथ क्या लगाएंगे तो एक कंप्लीट वर्ड बनेगा। हैप्पी के साथ क्या लगाएंगे तो हैप्पी के साथ नेस लगा देंगे तो हैप्पीनेस बन जाएगा, ठीक है, हैप्पीनेस नेस लगाना था। उसके बाद ब्लड वेसल विच कैरी प्योर ब्लड आर्टरीज क्या होता है, आर्टरीज। उसके बाद आदेश की अवहेलना क्या कहते हैं इसको जी, अवज्ञा हिंदी में था, अवज्ञा डिसोबे, ठीक है। उसके बाद है डेंगू डिजीज मॉस्किटो कहाँ लिव करता है, फ्रेश वाटर में लिव करता है। उसके बाद क्वेश्चन था कि आयरन स्टील प्लांट इज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट इज कौन सा आयरन स्टील प्लांट जो है, आयरन स्टील प्लांट जो कि सी कोस्ट के नज़दीक में सिचुएटेड है, ठीक है, तो कौन सा है, वाइजैग विशाखापत्तनम। उसके बाद एक क्वेश्चन था जी कि मेजर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ए लाइट रे इंसिडेंटिंग परपेंडिकुलरली ऑन प्लेन मिरर, अगर प्लेन मिरर पे कोई लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो 90 पे इंसिडेंट करेगा तो 90 पे ही जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। बहुत लोग आंसर जीरो भी मारे होंगे तो जो जीरो लगाए होंगे उनका गलत हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई इन हाउस में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है कितना होता है, 220 वोल्ट एसी आता है। उसके बाद है सरदार सरोवर डैम किस नदी पे है, नर्मदा रिवर पे है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है जी कि वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी, इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ है, जामनगर गुजरात। उसके बाद चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था बस पाँच बजे प्रस्थान करेगी, द बस विल डिपार्ट एट फाइव ओ क्लॉक। उसके बाद क्वेश्चन था जी कि द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड आउट ट्रूप्स, द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड आउट ट्रूप्स, ठीक है। तो इसका पैसिव बनाना था तो क्या बन जाएगा, ट्रूप्स पहले चलाएगा, ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट, ओके। उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन था, तो ऑप्शन में ग्रेफाइट दिया हुआ था, ठीक है, ग्रेफाइट, बाकी सब इंसुलेटर था तो ग्रेफाइट है जो बेस्ट कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद पूछ रहा था क्वेश्चन कि 2, 3, 4, 5, 6 का मीडियन क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6 का मीडियन, तो मीडियन में क्या करते हैं पता है, असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं और देखते हैं कि मिडिल वाला कौन सा है, तो मिडिल वाला कौन सा है जी, इसमें 4 है, असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है, मिडिल वाला क्या है, 4, तो मीडियन क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा मीडियन। उसके बाद क्वेश्चन था No one can suffer so much. क्वेश्चन था No one can suffer so much. ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसका क्या करना था जी, इसका इंट्रोगेटिव बनाना था, तो ऑप्शन में था कैन एनी वन सफर सो मच,
ऑप्शन में क्या था, कैन एनीवन सफर सो मच, ठीक है, इसमें क्या वर्ब क्या है कैन, तो कैन को लेकर के पहले चले आएंगे, कैन एनीवन सफर सो मच, बन जाएगा इंट्रोगेटिव। उसके बाद क्वेश्चन था पेरीमीटर एंड एरिया आर इक्वल देन रेडियस, कह रहा था कि किसी सर्कल का पेरीमीटर और एरिया इक्वल है, पेरीमीटर और एरिया इक्वल है जी, तो पेरीमीटर क्या हो जाता है 2πr और एरिया कितना हो जाता है πr स्क्वायर, पाई से पाई चला गया, एक आर से एक आर चला गया, तो आर बराबर कितना आ गया 2, रेडियस कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट कंट्री इन सार्क, क्वेश्चन पूछ रहा था कि सार्क का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, तो सार्क में बहुत सारे मेंबर हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, इंडिया, इंडिया, ध्यान रखेंगे मालदीव मेंबर है लेकिन म्यांमार मेंबर नहीं है सार्क का, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि विच इज नॉट इंक्लूडेड अमंग सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स में से कौन सा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश दे रखा था, तो हिमाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, तो आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था भक्तमाला किसकी रचना है, भक्तमाला तो ये किसकी रचना है, नाभादास की, नाभादास, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, नाभादास, भक्तमाला, नाभादास। उसके बाद एक क्वेश्चन है फिस्कल पॉलिसी डील्स विद, फिस्कल पॉलिसी किससे डील करता है, किसमें डील होता है फिस्कल पॉलिसी का, तो दो ऑप्शन था, अगर सी लगाया होगा तो सही होगा, फिस्कल पॉलिसी डील्स विद गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इससे भी डील होता है। उसके बाद है मनी सप्लाई मैनेजमेंट भी होता है, तो बोथ ए एंड बी, अगर आप लोग इसका लगाए होंगे बोथ ए एंड बी। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन था फिस्कल पॉलिसी डील्स विद, फिस्कल पॉलिसी किससे डील करता है, तो गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से भी डील करता है और मनी सप्लाई मैनेजमेंट से भी डील करता है, तो दोनों होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद स्मोकिंग कॉज, स्मोकिंग से क्या होता है, तो ऑप्शन में था आपका अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, डिजीज ऑफ लंग्स, तो सब होता है, स्मोकिंग से अस्थमा भी होता है, ब्रोंकाइटिस भी होता है, लंग्स की डिजीज भी होता है, तो चौथा ऑप्शन था ऑल, चौथा ऑप्शन क्या था जी, ऑल, तो जो स्मोकिंग वाला था उसमें ऑल हो जाएगा। उसके बाद था 15% of 200 क्या था जी, 15% of 200 कितना हो जाएगा जी 30, 15% of 200 कितना हो जाएगा 30। उसके बाद था ट्रांजिस्टर एक्ट एज स्विच व्हेन इट इज नॉट इन, ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करेगा, ट्रांजिस्टर किसकी तरह काम करेगा, स्विच की तरह, जब ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करेगा जब ये कट ऑफ स्टेट में नहीं होगा, ऑप्शन में था कट ऑफ स्टेट, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जब कट ऑफ स्टेट में नहीं होगा तब वो एज ए स्विच की तरह काम करेगा। उसके बाद है रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है 2:1, जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। उसके बाद ईच शेड्यूल्ड बैंक हैज टू बी रजिस्टर्ड विथ, जानते हैं कि भारत में जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं उनका रजिस्ट्रेशन कहां से होता है, RBI से, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा RBI। उसके बाद एक क्वेश्चन था A*B = B*A, कैसा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद क्वेश्चन था जी एस्किमो हाउस को क्या कहते हैं, तो एस्किमो के हाउस को क्या कहते हैं इग्लू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि सरोज स्मृति सॉन्ग को किसने लिखा है, ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सरोज स्मृति सॉन्ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ओके। उसके बाद है एक क्वेश्चन था जी रिलेशनशिप का कि मनी सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, देन द रिलेशनशिप बिटवीन मनीष एंड गर्ल, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, मनीष ने कहा कि दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, देन द रिलेशनशिप बिटवीन मनीष एंड गर्ल क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ ससुर था हिंदी में ऑप्शन, तो ये हो जाएगा। उसके बाद एक बार बोर्ड रब कर लेते हैं, ठीक है,
क्वेश्चन था जी, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, व्हाई आर यू working so hard? Okay? तो इसका बनाना था आपको, तो क्या हो जाएगा इसका, I asked him, WH question है तो inverted comma हट जाएगा, why यू है तो यू का हिम के मुताबिक क्या हो जाएगा, वाई ही हैड बीन वर्किंग सो हार्ड। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन था, ड्यूरिंग थंडर एंड लाइटनिंग व्हाट विल बी ऑब्जर्व फर्स्ट, थंडर और लाइटनिंग के समय क्या पहले ऑब्जर्व होता है, तो क्या होता है जी, लाइट सबसे पहले ऑब्जर्व होता है, क्योंकि लाइट का स्पीड क्या होता है, साउंड से ज्यादा होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक मोटर चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में। अगर ऑप्शन में मैकेनिकल एनर्जी होता तो मैकेनिकल लगा देते, लेकिन ऑप्शन में दोनों चीज था, काइनेटिक एनर्जी भी था पोटेंशियल एनर्जी भी था, तो आपको काइनेटिक एनर्जी लगाना था। उसके बाद ही वॉज हिट, क्वेश्चन था ही वॉज हिट डैश बाय रॉड, तो ही वॉज हिट बाय रॉड। उसके बाद क्वेश्चन था जी बाय ए रॉड, ही वॉज हिट बाय ए रॉड। उसके बाद एक क्वेश्चन था, सिल्क क्या है, सिल्क क्या है जी, सिल्क क्या है, तो सिल्क एक प्रोटीन है, सिल्क क्या है, एक प्रोटीन है। उसके बाद क्वेश्चन था कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अकर्स एट, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है वो कहां अकर होता है, तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे होता है जी। उसके बाद इकोनॉमिक आइटम पूछ रहा था कि दिए गए ऑप्शन में इकोनॉमिक आइटम कौन है, ठीक है, तो वाटर ऑप्शन में दिया हुआ था, कुछ कुछ ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था जो वाटर इकोनॉमिक आइटम में नहीं आएगा, महंगा आइटम कौन सा है, इकोनॉमिक आइटम कौन सा है, तो ऑप्शन में एक कंप्यूटर था, तो कंप्यूटर हो जाएगा। उसके बाद था जी आपका कि पिलानी इज विच कैटेगोरी ऑफ टाउन, पिलानी कैसा कैटेगोरी ऑफ टाउन है, ठीक है, तो टूरिस्ट टाउन पिलानी कैसा है, टूरिस्ट टाउन है, क्यों टूरिस्ट टाउन है, क्योंकि वहां पे पंचवती सरस्वती टेम्पल बिरला हाउस ये सब पाया जाता है, ठीक है, राजस्थान में, पिलानी कहाँ है, राजस्थान में। उसके बाद इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो टॉलरेंस जी, सहिष्णुता। उसके बाद मन चंगा तो कटौती में गंगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मन पवित्र तो घर में तीर्थ ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा का हिंदी क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मन पवित्र तो घर में तीर्थ। व्हाई डिड गांधी जी हैव डांडी मार्च, गांधी जी डांडी मार्च क्यों किए थे, तो टू ब्रेक साल्ट लॉ, साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है जी, जिसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, स्वयं सिद्ध, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, पीएम लाल बहादुर शास्त्री किस ट्रीटी पे साइन किए थे, ताशकंद एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, प्राइम नंबर ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें प्राइम नंबर बोल रहा था, तो एक ऑप्शन था 11, तो 11 प्राइम नंबर है। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रहा था कि टैन थीटा कितना है, √3, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मीराबाई किस काल से संबंधित थी, तो मीराबाई रसखान, ये सब भक्ति काल से। विच स्टेट इज रिलेटेड विद ताड़ी मूवमेंट, ठीक है, TADDY, ताड़ी मूवमेंट,
तारणी मूवमेंट, तो कौन था जी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज किसने किया, फैराडे, फैराडे किसने, फैराडे ने। उसके बाद क्वेश्चन था जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फैराडे हो गया। विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज यूज टू कट ग्लास, ग्लास को कट करने के लिए किस कार्बन के एलोट्रोप का यूज करते हैं, तो डायमंड का, किसका, डायमंड का यूज करते हैं। उसके बाद अर्लियर किंग ऑफ मगध, हु वॉज मर्डर्ड बाई हिज सन, मगध का कौन सा ऐसा राजा था जिसको उसके बेटे ने ही मार दिया था, तो कौन था जी, बिंदुसार, बिंदुसार, आजा शत्रु ने मार दिया था इसे, ठीक है। और आजा शत्रु का फिर पुत्र था उदाइन, उसने उसको मार दिया था। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये पता ही है सबको, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। उसके बाद है जी इन ह्यूमन बीइंग इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इज कॉल्ड, ह्यूमन बीइंग में इनहेलिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग ना, श्वास लेना, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, श्वास लेना और छोड़ना, ब्रीदिंग कहते हैं। कैग इज अपॉइंटेड बाय सीएजी को कौन अपॉइंट करता है, सीएजी को कौन अपॉइंट करता है जी, सीएजी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, सीएजी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हु हैज बीन अथॉरिटी टू टेक फाइनल डिसीजन ऑन डिफेक्शन मैटर इन इंडिया, देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन था कि किसके पास ये फाइनल डिसीजन है लेने का ऑन डिफेक्शन मैटर्स इन इंडिया, एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़े हैं कि दल बदल कानून, तो उसमें डिफेक्शन मैटर्स पे अथॉरिटी लेने का अधिकार किसके पास है, तो जो ऑप्शन था उसमें एक ऑप्शन था द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस क्या हो जाएगा, द प्रिसाइडिंग, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, ठीक है। जैसे लोकसभा होगा तो वहाँ स्पीकर, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह होगा तो वहाँ पे उसके चीफ जो है वो लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था मैथ का, काफ़ी इजी था, 0.032 डिवाइडेड बाय 100, 0.032 डिवाइडेड बाय 100 ये कितना आ जाएगा, 0.00032 ये आ जाएगा, काफ़ी इजी था। उसके बाद था एक क्वेश्चन था कि शुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य क्या था, मुझे यह काम नहीं करना है, ठीक है, मुझे यह काम नहीं करना है लेकिन फिर भी करना है ना। उसके बाद क्या है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है जी, 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था, आगे का क्वेश्चन आपको सर करवाएंगे, तो मिलाइए उससे कितना सही हो रहा है आपका, ठीक है। अब आगे सर ने क्वेश्चन करा दिया, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है, ठीक है, और अपने कैटेगरी के साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपको कितना मार्क्स बन रहा है इसको मिलाने के बाद, ठीक है। ऑलमोस्ट 97 के आसपास, 97 प्लस क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, आप मिलाइए, उसके बाद कमेंट कीजिए कौन क्वेश्चन बच गया, उसको कमेंट कर दीजिएगा, वो अगले वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा, और आपको मिला के बताना है कि कितना बना है विथ अपने कैटेगरी के साथ आपको बताना है, ठीक है, तब हम लोग अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कट ऑफ कितना जा पाएगा, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो मॉडरेट टू हल्का हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। क्यों हार्ड लेवल का था, क्योंकि बच्चे लोग ने फॉर्म बहुत काफ़ी भरा है, उसके बाद सीट भी कम है, 550 के आसपास सीट है, और ऑलमोस्ट 50% रिजर्वेशन है आपका, 550 में से 50% हटा ही दीजिए, तो समझिए कि कट ऑफ तो आपका अच्छा खासा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, तो देखिए क्या होता है, बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद हम लोग पता कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन था फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट क्या था आपका, आर्यभट्ट, अगला क्वेश्चन क्या था आपका, डायमंड फैक्ट्री कहाँ है, डायमंड फैक्ट्री कहाँ, सूरत में है, डायमंड सिटी भी कहा जाता है वहां पे, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडस्ट्री क्या बोलते हैं, कैसे होता है ये, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, क्या होता है ये, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पीएच वैल्यू 7 दिया हुआ था, तो समझिए कि ऑप्शन में था किसका, तो वाटर का पीएच 7 सबसे प्योर, क्या हम लोग पानी पीते हैं तो यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, तो पानी का हो जाता प्योर वाटर का, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब कि एक प्रिज्म, समझिए कि प्रिज्म है, प्रिज्म से एक लाइट आता है तो 7 पार्ट में निकल जाता है, एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो किसमें होता है, प्रिज्म में होता है। ऑप्शन क्या है आपका, आंसर क्या है आपका, प्रिज्म। अगला क्वेश्चन, डिजीज कॉज बाय द ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, मतलब जो खराब पानी या फिर जो एकत्रित पानी पीने से उसे कौन सा बीमारी होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कोलेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, NCB का फुल फॉर्म पूछ रहा था आपसे, तो क्या हो जाएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये बहुत काफ़ी न्यूज़ में था रिसेंट में ही, बहुत सारे न्यूज़ में था ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टी, सब बिहार में टी सबसे ज्यादा कौन उपज करता है, तो किशनगंज। फिर ऐसे याद रखना कि ईस्ट वाले में पूर्णिया, और उसके बाद कटिहार में भी जूट वाला बहुत सारा होता है, क्योंकि सब क्वेश्चन बहुत जगह आया हुआ भी है और आता भी है। वीक एसिड कौन है, CH3COOH, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ड्यूरेशन ऑफ द बजट, हाँ एक बजट हर साल, मतलब बजट हर साल में कितने बार आता है, तो आप जानते हैं कि जैसे आने वाला है फरवरी लास्ट मार्च में, ठीक है, तो हर एक साल में आता है, हर पर ईयर बजट का अनाउंसमेंट होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, टाइम बहुत हो गया इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन बताते हैं, तो कुछ कुछ लिखते जाइए। साइट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता था, लेमन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन आपका, रिवर एंड माउंटेन्स को क्या कहा जाता है, तो ये हमारा धरोहर है, मतलब नेशनल कैपिटल है, राष्ट्रीय पूंजी है ये, ठीक है। नेम, चलिए एक चीज़ दिया हुआ था, CHO केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, CHO किसका है, एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड ग्रुप का CHO होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म राक्षस कविता किसने लिखा था, तो ये आपका लिखा था गजानन माधव मुक्ति बोधन, जो जिस नाम से होगा देखिए और टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, सो क्या बोलते हैं हम लोग, डेंसिटी बोलते हैं, मतलब घनत्व, ठीक है, एक किलोमीटर में कितना आदमी रह सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। हार्वी बोरस आर डैश कंज्यूमर था, कुछ टाइप का क्वेश्चन था, फूड चेन का मतलब कौन सा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि मान लीजिए कि घास होता है, घास को गाय बकरी खाते हैं, गाय बकरी तो यानी पहला वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, क्योंकि पहले वो खाते हैं, और घास फूस होता है आपका ऑटोट्रॉप होता है, और उसके बाद हिरन उरन को खाता है कौन, लायन वन, तो इसका बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। चलिए इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल सिस्टम का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, तो सबसे फंडामेंटल हमारे खासियत, संविधान की खासियत यही है कि संविधान का सुप्रीमेसी होगा, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख मिला लीजिएगा। विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज यूज फॉर द टेलीकम्युनिकेशन, अच्छा टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सा लेयर यूज किया जाता है एटमोसफेयर का, तो आइनोस्फेयर, इसके याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ, क्योंकि जैसे टेलीकम्युनिकेट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है या प्रोटॉन जाता है सिग्नल, तो समझ जहाँ पे आयन होगा तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर आता है, इसीलिए आयनोस्फीयर। चलिए पेयर्स ऑफ रिब केज कितना होता है हमारे में, 12 रिब केज, यहाँ पे जो होता है रिब केज चेस्ट के पास, तो ये 12 पेयर्स में होता है, और एक बीच में जो स्पेरम रहता है वो एक 13वां होता है, मतलब 25वां होता है, तो 24 हो जाता है 25वां, और स्केलेटन सिस्टम में अगर हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो हम लोग स्केलेटन सिस्टम कराएंगे तो बता दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन ये था कि CP = 4000, SP आपका दिया हुआ था 3200, तो शायद पूछ रहा था डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा था आपसे, तो क्या हो जाएगा, आराम, बहुत ईजी क्वेश्चन था, 20% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेयर डस क्रोमोसोम्स फाउंड, तो क्रोमोसोम्स कहाँ होता है, तो ये आपका सेल हुआ, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे आपके तो यानी न्यूक्लियस के अंदर होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ द हिंदू महासभा कौन होगा, वैसे देखिए यहाँ पे तीन पता नहीं ऑप्शन क्या था, लेकिन जैसा कि आ रहा था पेपर में, पंडित मदन मोहन मालवीय शायद ऑप्शन में दिया हुआ था, आप जाके उसको चेक कर लीजिए, वो शायद उसको टिक लगा लीजिएगा, वो आपका आंसर होगा, लेकिन अगर ये नहीं रहता, कोई और ऑप्शन रहता, लाला लाजपत राय या VD सावरकर भी रहता, तो ये दोनों ने भी मिला जुला के, तीनों ने मिल के 1909 में हिंदू महासभा का गठन किया था, तो जो ऑप्शन होगा अपना मान लीजिएगा, वैसे पंडित मदन मोहन मालवीय था, ठीक है। इफ़ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीजेस देन द डिमांड, मतलब अगर मान लीजिए पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो कार का डिमांड क्या होगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, कार का डिमांड घट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
What type of budgetary policy has the maximum expansionary income effect in the इसमें ये पूछ रहा था कि मान लीजिए कि बजट मतलब ऐसा कैसा बजट पॉलिसी लाया जाए जिससे हमारा इनकम अच्छा हो तो मतलब गवर्नमेंट कैसा काम करे, तो इसमें आंसर होना चाहिए इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट को खर्चा ज़्यादा करना चाहिए और टैक्स कम करना चाहिए। जैसे अभी लास्ट ईयर ही शायद टैक्सेशन में रिलीफ मिला था, बहुत पहले 5 लाख का टैक्स लगता था, अब 8 लाख कर दिया गया है, तो वही टैक्स तो वो अच्छे इनकम के लिए हुआ, तो शायद अच्छा काम था। चलिए लास्ट रूलर ऑफ द मुगल, लास्ट रूलर सबसे इजी क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर टू, याद रखिए बहादुर शाह जफर टू, व्हेन डिड डेरी, अच्छा वेयर डेरी कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, कहां से हुआ था डेरी कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कहां से स्टार्ट हुआ था, ये आपका गुजरात से स्टार्ट हुआ था, आप इसको मान लीजिएगा, मैं इसको बता नहीं रहा हूं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय, सुप्रीम कोर्ट का जज किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये दोनों सदनों के द्वारा, मतलब बोथ हाउस, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों सदनों के द्वारा ये हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप मिलाइए, हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट सेंट्रल, ये तो अपना बिहार में ही है, ईस्ट सेंट्रल कहाँ है, हाजीपुर में है, ठीक है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट सेंट्रल देख लीजिएगा, मैं बोल दिया हूँ सारा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, द कॉलेज विल बी क्लोज इफ इट रेन्स, बहुत लोगों ने पता नहीं क्या बोला, रेन्स होगा यहाँ पे, ठीक है, इफ इट रेन्स। चलिए डिवाइस यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, जनरेटर, जनरेटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो क्या होगा, जनरेटर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, फिर इफ ए इज अ सेट ऑफ एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ सबसेट, तो सबसेट कितना हो जाएगा, तो 2 to the power n, क्योंकि उतना एलिमेंट का है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है स्पाइन, मतलब जो कांटा, आप रेगिस्तान में जाओगे तो रेगिस्तान में जो पत्ता नहीं होता है, पत्ते का जगह कांटा होता है, तो वही पूछ रहा है कि वो जो कांटा किसके किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, तो पत्ते का, लीफ का, क्यों होता है, ट्रांसक्रिप्शन कम करने के लिए, ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए, पानी कम गिर जाता है लीफ से, मतलब इवेपोरेशन ज़्यादा होता है तो पानी निकल जाता है, और इस साल में लोग को खुद पानी चाहिए, ठीक है। इट सीम्स डैट इट विल रेन, इट सीम्स डैट इट विल रेन, इसका हो जाएगा ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी, ठीक है। यू विल गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस, 23 तारीख को उनका वो जन्मदिन भी था, कौन वजन का, सुभाष बोस, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था आपका, उपर्युक्त का शायद संधि विच्छेद पूछा था, ऊपर ऊपरी जोर युक्त, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने सारा 97 के आसपास, 95-97 के आसपास क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। आप जल्दी से अपना आंसर मिलाओ, और आप लोग कमेंट सेक्शन में भी था अपने कैटेगरी के साथ अपना कमेंट करो कि आपका कितना सही बना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में आपका कट ऑफ जारी करेंगे। वैसे क्वेश्चन हार्ड था सब, बाकी सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, जिन्होंने अच्छे से एग्जाम दिया कोई दिक्कत नहीं है, और जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया हो तो कोशिश करें, क्योंकि अब बिहार में तो वैसे ही बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं, बिहार आपका सचिवालय हो या फिर इंटर स्तरीय हो, उसके बाद आपका दरोगा का फॉर्म है, और हर साल दरोगा का फॉर्म और पुलिस का फॉर्म, अब मार्च में आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है, तो जिन्होंने एग्जाम दिया है, अब प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े कि हम लोग आगे आपका तैयारी और अच्छे तरीके से लेते हुए चले। आप देखिएगा आपका क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया है, वैसे डिस्कशन तो शायद किसी ने नहीं किया, और पता नहीं कितनों का सही है कितनों का नहीं, लेकिन हमारा जो भी डिस्कशन है सब सही है, इसीलिए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, और अपना नंबर बताइए, फिर हम लोग आगे उसका कटअप बताएंगे, ठीक है। चलिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।